आरपीपी ग्रुप टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे एक बार क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बराबर बेल आइकन जो आ रहा है वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। और यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जो आने में असमर्थ हैं वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन के भी बैच चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं हम जो आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट हैं और इनके बारे में ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में कि ये कहाँ से आते हैं और यहाँ सीखने के बाद में इनको क्या सिखाया जा रहा है। जो बताया था वही सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया। चलिए, अपना नाम बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अल्ताफ सैफी है, मैं जिला बिलेंसर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, जो कि चिप लेवल रिपेयरिंग बताई गई थी, चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जा रही है। यस, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और जो कि डायग्राम होते हैं रीड करना और डायग्राम बनाना सब बताया जा रहा है? बिल्कुल, और टोटली प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो बताया था वही हो रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल बताया जा रहा है आपको कंप्लीट। तो अभी आपको 10-12 दिन हुए हैं तो आपका चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया? और बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आपके पास में चार्जिंग का फॉल्ट है, इसको ठीक कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए चलिए आप ठीक करेंगे। और इसे ठीक करने से पहले आप ये बताइए सबसे पहले कि बैटरी के कनेक्टर पर रीडिंग कितनी आनी चाहिए? बैटरी के कनेक्टर पर हमारी रीडिंग आनी चाहिए 300 से 450 तक। ठीक है। और चार्जिंग जैक के पे? चार्जिंग जैक के पे 450 से ऊपर 600 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना रीडिंग हमें मिलता है। ये रीडिंग हमें कहाँ से आती है? आईसीओ से और सीपीयू से मिलकर हमें रीडिंग मिलती है। यदि रीडिंग नहीं आ रही है तो हमारी लाइन खराब है। हाँ, खराब है। रीडिंग नहीं आती है तो लाइन हमारी खराब होती है, या बीच में कोई कंपोनेंट भी खराब हो सकता है, या कोई आईसी भी खराब हो सकते हैं जहाँ से लाइन है रीडिंग है जो आती है। तो आपके पास में एक मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है। तो इसमें आप सबसे पहले कि कूल टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि कितनी रीडिंग मिल रही है हमें। अच्छा ठीक है, रीडिंग ये यहाँ पे जो आपने बताया था 300 से उतनी ही बीच में मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब जो हमारा चार्जिंग जैक है उसके प्लस पर रीडिंग चेक करोगे, यहाँ पर रीडिंग हमें आ रही है। ओके, अब इसमें फॉल्ट क्या है कि इसमें बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आ रही, नहीं आ रही, यही प्रॉब्लम है ना। तो ये आपने कूल टेस्टिंग में हमारा बोर्ड ओके है। ओके ठीक है, बोर्ड ओके है। अब इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे, तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए आप मल्टीमीटर को कहाँ लगाएंगे? 20 वोल्टेज पर। ठीक है, इसको डीसी 20 पर लगा दिया। ठीक है, इसे लगाने के बाद इसमें आप चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगा दिया। तो दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिकली कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पर जो हमें इस पर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दिखाओगे ना जरा बैटरी कनेक्टर पर। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा, तो ये हमारा फॉल्ट जो है लाइन से भी हो सकता है और किसी आईसी से भी हो सकता है, और हो सकता है चार्जर जैक भी खराब हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ओके, अब आपको चार्जिंग जैक पर वोल्टेज चेक करेंगे, एक प्रोब कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग जैक का प्रिंट जो है यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज जो हमें मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना? बिल्कुल। अब आपको जो है बैटरी कनेक्टर पर एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या? इसके पहले जैक को हम चेक करेंगे, जैक सही लग रहा है या नहीं। हाँ, जैक सही लग रहा है, नहीं लग रहा। जो जैक की 5 पिने हैं जहाँ पे रीडिंग आ रही थी वो उससे सोल्ड है या नहीं, ये नहीं है। तो आप चलिए इसे चेक करो, इसमें से चार्जिंग जैक निकाल के जो इसकी पिन है प्लस वाली। ओह, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए माइक्रोस्कोप में भी दिखाते हैं आपको जो है। देखिए, हम आपको नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पिन जो है इसकी किसी ने रिपेयर किया है तो इस तरीके से डैमेज कर दिया। ठीक है, अब इस पिन को हम यहाँ पर थोड़ा इसको करेंगे, थोड़ा इससे पहले ट्वीजर से आप किसी ब्लेड से इसको सीधा करेंगे, और हो सकता है ये चार्जिंग जैक भी खराब हो, लेकिन पहले इसको ठीक करके देखते हैं। करो इसे सही से, थोड़ा सीधा। अब यहाँ पे आपको
हो गया सोल्ड, देखो जरा सही से, देखिए सोल्ड हो चुका है, हो गया, ठीक है सोल्ड हो गया। अब आप यहाँ पे एक बार फिर से चार्जर लगा के देखो, तो ये फॉल्ट तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन ये किसी ने टेढ़ा किया है किसी रिव्यूअर ने। अब आपको जो है यहाँ पर चेक करेंगे चार्जिंग जैक पे, सबसे पहले चार्जिंग जैक पे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखो 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अभी 5 वोल्टेज यहाँ पे जो आ रहे हैं माइनस क्यों आ रहा है? क्रॉप चेंज करने की वजह से, क्योंकि आपने मीटर के प्रोब उल्टे वहाँ पे लगा दिए थे, है ना, इसलिए आ रहा था ना। हाँ अब ये ठीक लग रहा है ना प्रोब? बिल्कुल। तो आप बैटरी के प्लस पे चेक कराओ वोल्टेज जो है, बैटरी के प्लस पे अभी भी वोल्टेज इसमें कम आ रहे हैं, नहीं आया, ठीक है। ये आपका वोल्टेज यहाँ पे जो है 1 के आसपास आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसमें जो है यहाँ पे चेक करेंगे कि हो सकता है यहाँ पे जो माइनस है वो इसमें सोल्ड नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है वापस से एक बार इन तीनों चारों पिनों को आयरन से सोल्ड करेंगे यहाँ से निकाल के। तो दोस्तों इसी तरीके से आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर चिप लेवल ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। केबल निकाल दो। तो दोस्तों अभी इनका कोर्स जो चल रहा है यहाँ पे जो अभी कंप्लीट नहीं है, अभी सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़ा सा फ्लेक्स लगाएंगे यहाँ पे जो है, और यहाँ पे आयरन से थोड़ा थोड़ा करेंगे सोल्ड इसको, जो इसकी लास्ट की और प्लस माइनस की जो पिने हैं। सोल्ड हो गई, ठीक है। अभी इसे क्लीन करो पेट्रोल से। इसमें चार्जर लगाओ वापिस एक बार। मीटर से चेक करो वोल्टेज क्या मिल रहा है, एक प्रोब ग्राउंड करो कहीं भी। आया वोल्टेज? देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बैटरी के प्लस पे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं बैटरी के प्लस पे जो है कि 4.1 वोल्टेज हमारा आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब इसकी जो प्रोब है जहाँ बैटरी कनेक्टर पर टच होगा वहाँ पर चेक करो, इसे ग्राउंड पर इसमें दिखाओ, यहाँ बैटरी टच होगी ना, तो यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट था आपका ओके ठीक हो गया है। तो इसमें जो चार्जिंग बनाना बताई गई थी वो ठीक हो गई है। तो इसमें फॉल्ट क्या था बताओ जरा? इसमें फॉल्ट था ये जैक की पिने जो है सही नहीं लग रही थी। हाँ बताओ वापिस एक बार, इसमें फॉल्ट क्या था? इसमें फॉल्ट था ये जैक है ना इसकी, ये पिन हाँ इससे प्रिंटों से चुपक रही थी, हाँ सोल्ड नहीं हो रही थी ये। अब ये सोल्ड कर दी है, अब इसके प्रॉपर वोल्टेज पहुंच चुके हैं, वोल्टेज पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। इसमें प्लस माइनस दोनों ही प्रिंट हल्के हल्के सोल्ड थे जो कि करंट को बोर्ड के अंदर लीकेज कर रहे थे, बैटरी कनेक्टर पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा रहा था। यही फॉल्ट था ना इसमें? यस। चलिए अब ये तो हो गया है, ठीक है।